बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ब्रेकफास्ट की रेसिपी दे रही हूँ। ये मैंने 100 ग्राम चिकन ले लिया है, एक बड़ा आलू ले लिया है, उसे गोल गोल कटिंग कर लिया है, चीज़ ले ली, 3 अंडे ले लिए हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सा ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने ये लाल मिर्च ले ली, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। ये मैंने 3 अंडे जग में डाल दिए हैं और सब्ज़ मिर्चें अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँ, मैं बाद में चिकन ब्लेंड करती हूँ। सब्ज़ मिर्चें और मैंने अंडे को बीट कर लिया, ये चिकन डाल रही हूँ, मैं चिकन डाल के भी अंडे बीट करना। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने बीट कर लिया इसे, अब मैं चूल्हे की तरफ जाने लगी हूँ। 1 चम्मच मैंने ना ऑयल का डाल दिया बीच, ये हमने आलू की ना ऐसे कटिंग सारे साथ लगा देने हैं। मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। ये सारे आलू मैंने बीज लगा दिए फ्राई पैन में, अब इसे 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है हल्की आंच पे। फिर ये जो मैंने मिक्सर बनाया है ये भी डाल देना हमने। ये 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं हमने अच्छी तरह ना इसकी बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें। ये चिकन और अंडे ना इसके ऊपर हमने फुला देने हैं। ये सारा मैंने अच्छी तरह इसे ना फुल लगा दिया है, अंडे को और चिकन को ना आलू के ऊपर। ये अब मैं इसे ढक्कन दे, इसे मैं ढांपने लगी हूँ 3 मिनट के लिए, 3 मिनट बाद मैं दिखाती हूँ। एक साइड को ना इसे 3 मिनट हो गए हैं, अब इसकी साइड दिलाने लगी हूँ मैं, साइड इसमें साइड में दिला दी है। अब 3 मिनट के लिए इस साइड से हमने इसे पकाना है। ये 3 मिनट हो गए दूसरी साइड से पकते हुए, अब मैं इसकी साइड बदलाने लगी हूँ। फिर साइड बदला के मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी साइड बदला दी है, अब मैं इसके ऊपर चीज़ डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, आपको जितनी पसंद है ना उतनी डाल लें, मैं थोड़ी सी कम ही डालूँगी। मैं ऊपर कवर देने लगी हूँ इसे, चीज़ को पकने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ने लगी हूँ। ये 3 मिनट और मैंने पका लिया इसे चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह। अब डिश आउट करते हैं। ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें। आपको मैं कटिंग करके दिखा दूँ इसे। इसकी लेयर देखें चीज़ की, बहुत मज़े की है।